फाइट कोरोना फ्लू सीरीज में मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक बहुत ही पुराना उत्तरांचली सॉन्ग कनी बजे मोरेली, बोथ गढ़वाल एज वेल एज कुमाऊं दोनों ही जगह यू गाणू बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही प्रसिद्ध गाणू च और बहुत ही मीठू। ये पर क्यों च सारा शुद्ध स्वर लगते हैं, सारे शुद्ध स्वर इस पर लगते हैं। ध्यान दीजिए, म और नी इसमें लगते ही नहीं है, सा सा रे ग प ध सा, बस सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, मंद्र सप्तक के इसमें आपके दो स्वर लग सकते हैं, प ध और एक बारी सा भी थोड़ा सा लगेगा पिछले सप्तक का, बाकी आपके जो नॉर्मल सप्तक है आपका है जिस पर आप प्ले करते हैं उसके सारे ग प ध सारे ग इस फ्लूट के साथ। ओके, दिस इज अ ई फ्लूट, ई फ्लूट है ये, इसका स्केल है। अभी मैं आपको एक एक करके इसमें वर्डिंग्स जो है, दो मुखड़ा दो अंतरा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और एक अंतरा बिल्कुल सेम है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहले मुखड़े के ऊपर जो कि टाइटल सॉन्ग है गाने का, कली बज मोरली। इसमें आपने देखना है कि कली बज मुंह तक तो ठीक है, रली में आपको 8-10 स्वर इसमें लगेंगे, तो वहां पर आपने बहुत ध्यान देना है। कली बज मुंह तक तो ये है पद सा ग पद सा रे ग, ये आपने ध्यान देने का बात है। पद सा रे ग तक तो ठीक है, उसके बाद रे ग रे ग रे सा रे ग रे रे सा ध प, कनी बज कनी बज मोरली, तो वो आपको उंगलियां ऑटोमेटिकली चलेंगी जितना आप गाने के साथ इसको बजाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन स्वर में आपको दिक्कत दे सकता हूं, नोटेशन ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। वो नोटेशन का फायदा तभी है जब आप उस गाने को सुनेंगे और वो दिमाग में बैठेगा। और सेकेंड लाइन इज वेरी सिंपल, ऊंची ऊंची डांडियो मा पद सा रे ग रे सा ध सा, एक तरीका हो रहा है कि पहले आप बिल्कुल सिंपल बजाइए, उसमें हरकत मत दीजिए ज्यादा, जब आपका वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद उसको करेक्शन दीजिए। जैसे कि पहली लाइन है कली बजे मोरली, ये सिंपल तरीका हो गया। बाद में प्रैक्टिस कर करके आप इसको रे गे सारे सा, फिर उसको प्रैक्टिस कर करके बाद में आ जाएगा। गाना बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। अब ये इसका मुखड़ा हो गया, इसके बाद एक अंतरा में लेता हूं, इसमें दो अंतरे जो है वो अच्छे भी लगते हैं सुनने में। मुरली को चोर चुनिया भरिएगो को पपिलो मेरो बैना मन दुखी एगो, एक ये है। दूसरा है मेरे मैत की भगवती, इसी को लेके चलते हैं, दोनों में सेम स्वर लगेंगे। मेरा मैत की साधा साधा सा में धा का कण, मेरा मैत की भगवती साधा साधा प, हाँ? अच्छा, ये पिछले वाला सा लगेगा इसमें हल्का, तू देनी है क्या मेरा मत के भगवती, तू देनी है जया तू देनी है जया, ये गरे गरे सा सा सा, पूरा सुनिए। फिर है कुशल मंगल स्वामी मेरा स्वामी घर है, सेम ये
ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके कमेंट्स का मैं वेलकम करूंगा। एनी इम्प्रूवमेंट यू वॉन्ट और कहीं पर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं उसका जवाब देने के